इंटर कॉलेज के इंग्लिश टीचर कौन से हमारे? मिस्टर राकेश मोहन ध्यानी सर, वो हमें मतलब वो मुझे वहां से लेके गए। वो सर जो है मोटिवेशन बहुत करते रहते हैं बच्चों को, मतलब आप देखेंगे नहीं बहुत स्ट्रिक्ट है, और जब ऐसे टीचर हों तो उसका उस स्कूल का या उस क्लास का बच्चा कभी भी हार नहीं मान सकता, आगे के आगे चलता रहता है। तो ऐसे टीचर को मैं जय हिंद बोलना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों, हम आज आ गए हैं आपके दिल पे करने को फिर से राज। तो राज की बात आपको पता लग गया होगा कि हम किस सेमिनार में गए थे, AI के बारे में साइंस सेमिनार में। तो ये गई थी इंटर कॉलेज, राज के इंटर कॉलेज किशनपुरी, पहले करुणा घाटी जिसमें मैं पढ़ा करता था, अब ये पढ़ा करती है। ये वहाँ से सिलेक्शन हुआ इसका, इसने बहुत बढ़िया किया इंटर कॉलेज में, और वहाँ से जो इन्हें इसको चॉइस की ली गई आगे वो कोटद्वार में वादा है राज्य स्तरीय पे हो रहा है, ये कोटद्वार के GGIC गर्ल्स कॉलेज में ये कॉम्पिटिशन हो रहा है, बहुत ही बढ़िया आया। और इसने जो किया इंग्लिश टू इंग्लिश में बोला है, तो बहुत सारे जज वगैरह बैठे थे वहाँ पे, किसी के अपने स्कूल के भी थे, उन्होंने जो है इंग्लिश वाले को ज़्यादा माध्यम से शायद दी नहीं, जो हिंदी में बोल रहे थे उन्हें ज़्यादा अच्छा सा किया उन्होंने। तो आपने देखा, मैं भी जो है चाहता था पहले कि जो है गर्ल्स कॉलेज को देखूँ अंदर से कैसा है, क्योंकि बचपन में मैंने देखा था, लेकिन आज मैंने कहा जो है, फिर मैं गेट तक गया, गेट के बाद फिर मैंने कहा अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ, फिर मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेता हूँ देख लेता हूँ, तो अंदर से मुझे देखने का बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छे जो है अंदर स्कूल है, और बहुत बढ़िया वहाँ पे तो लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको सारी वीडियो दिखाएंगे क्या क्या वहाँ पे प्रेजेंटेशन, इसका प्रेजेंटेशन कैसा था, क्या कमी थी। तो AI के बारे में बोला था, क्या क्या बोला था कि AI कहाँ पे यूज होता है, क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, उसके एग्जांपल AI है क्या, उससे वो बोला, उससे जो है फायदा क्या है और उससे नुकसान क्या है, किस क्षेत्र में क्या क्या काम करता है AI, सिर्फ इसी संबंध में बोलना चाहते हैं। इसके संबंध में कुछ थोड़ा शुरू में आए नहीं, तो फिर थोड़ा थोड़ा इसे पता लगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, इसलिए हमने ये बनाया। तो घर से करेंगे हम आपके लिए वीडियो शुरू। नहीं, आज जा रहे हैं हम भाषण देने के लिए, और टंकी में तेल भर दिया है हमने, फिलहाल बहुत दिन से टंकी खाली थी तो हमने फिर फोर कर दिया है, तो चलो फटाफटाओ। अरे पड़ा पड़ा तो बल्ले लगा रहे, आप सारे साथ हो गए, दिमाग खराब कर रहे, चले क्या ले इधर, इसको पकड़ बैग में मत डालियो, बैग में मत डालियो फोन। वाओ भाई, आपने नेट ही खोला, आपका नेट चलाओ। हट 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 यार, ये तुम्हें डर लग रही, अभी लगेगा एक घंटा, अभी रुमाल दे दे, हैंगी गए फिर हैंगी गए बैग में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से ब्राउज़र खोलते साथ में क्या है, ये है फर्स्ट में, क्या था फर्स्ट में, क्या था फर्स्ट में था कॉन्सेप्ट कैसे बना, उनको ट्रैक करने के लिए बना 19th century में, ये हुआ द बर्थ ऑफ AI में, क्या हुआ कि उन्होंने ये बोला था, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ कि जो एलन थे, नहीं थर्ड में क्या था, थर्ड में था ये था, ठीक है विंटर था, फोर्थ में था। अरे मम्मी यार, एक तो बोलना 7 बजे और 7:30 बजे आ रहे, बहुत बढ़िया। पक्का लेट होंगे आप, हरकत भी देख रही हूँ, बोला था 7 बजे पहुंच जाना यहाँ, लेकिन उन्होंने तो 7:30 बजे ही पहुंचना था। बाइक तो इस टाइम मेरे को धोखा नहीं दे सकती, धोखा नहीं है, खास चल जाए, वीडियो बनाते मत दे मुझे, मुझे टेंशन, भगवान से।
गए हम GGIC इंटर कॉलेज, 8 बजे यानी कि 8 बजे से पहले पहुंच चुके हैं और गेट दिखाइए अब हम ऊपर दिखा चुके नीचे की रोड भी दिखा रहे हैं इधर धीरे धीरे दादा केंद्र अब वो दस मिनट हो गए सिर्फ लेट मेरे बहुत सारी से आए हैं इतने बढ़िया तरीके से कॉल करो गाना कौन सा चाहिए सबसे बड़ा चलो याद करो फटाफट चलो तुम भी याद करो फटाफट ज्यादा कहानी याद करो धीरे धीरे बोला धीरे धीरे जैसे डायलॉग बोलते हैं ऐसे नहीं कि रटा टंपा रखा बोल 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 थोड़ा सोच के थोड़ा धीरे धीरे सही लग रही है यहाँ के बच्चे मुझे पीछे समझ रहे हैं कि मैं अपनी ट्रेन लेके आया हूँ तो सारे बच्चे मुझे बोले गुड मॉर्निंग सर मैं कहूँ थैंक यू उनको सब्सक्राइब करो जल्दी से नमस्कार सर हाँ सर अच्छा आज क्या हो रहा है फिलहाल बोलिए आज जो है विज्ञान विज्ञान अच्छा विकास के लिए जो है विद्यालयी शिक्षा हमेशा महत्वपूर्ण है और बच्चों को विज्ञान के प्रति रुझान विज्ञान के प्रति जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए खंड स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आप देख रहे हैं विभिन्न विद्यालयों के बच्चे जो है पहुँचे हुए थोड़ी देर प्रतियोगिता हम लोग जो है प्रारंभ कर देंगे इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए ममता जी हैं यहाँ पर अच्छा चलो ठीक कोई अच्छा आपको बता देंगे कि डांस का जो छात्र है उसमें क्या क्या है आज की है तो टॉपिक है विज्ञान संगोष्ठी में AI संभावना और चुनौती है जिससे बच्चे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे 6 मिनट का हमारे पास टाइम है बाकी उसमें बच्चों की कुछ क्वेश्चन आंसर है उसका उनका प्रेजेंटेशन है उसमें मार्क्स मार्क उससे पहले बच्चे डिपेंड करते हैं थैंक यू मैडम टेस्ट में क्या हुआ टेस्ट हुआ अभी 20 मिनट का क्या क्या क्वेश्चन आए थे क्या 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 बोला मतलब बेकार दिया पता नहीं आप लिखा गया पता नहीं मतलब दिए आंसर देखते हैं शुद्ध शुद्ध लिख ये सभी बच्चे जो है अपने प्रेजेंटेशन के लिए अपने
जो भी हमारे चार्ट हैं या पीपीटीज हैं उसके लिए तैयार है। सभी का नाम आ गया है इसमें, तो ठीक है आप लोग तैयार है, बस सिर्फ इसको हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई पूछना हो तो सर है, सर से आप पूछ सकते। स्कूल द्वारा नॉमिनेशन किया गया है जिसमें से कि 8 विद्यालयों द्वारा यहाँ पर अपनी प्रस्तुति पूर्ण कर ली गई है। यहाँ पर छात्र छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें कि संभाव्यता और सरोकार इसका मुख्य विषय है, इसमें जो है 6 मिनट का समय प्रतिभागियों को अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए दिया जा रहा है, अपने विचार रखने के लिए दिया जा रहा है। और तत्पश्चात हमारे आदरणीय जो जजेस हैं निर्णायक गणों द्वारा 3 प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित छात्र छात्राओं को पूछे जा रहे हैं और इसी के आधार पर उन्हें अंकों का आवंटन किया जा रहा है। In 1940s to 1950.
ट्यूरिंग टेस्ट इन 1950 अलन ट्यूरिंग प्रपोज बाय ट्यूरिंग टेस्ट डिटरमाइन वेदर कुड हैज एग्जिबिट एंड इंटेलिजेंट बिहेवियर फॉर ह्यूमन intelligent behavior from human. Intelligent behavior for human, human. So, intelligent behavior from human. So, this third is early AI research, symbolic and logic AI research. Early AI research mainly focused on symbolic AI and its use symbols and rules and its use symbol and rules performing logic and reasoning program like logic and theoretical for GPS general problem solver. GPS journal problem solver and its AI builder limitation 1970s to 1980s limitation method of interest fundamental. So this time it is called as AI builders. So fourth is removal and expansion in 1980s to 1990s. Expert system and machine learning. Expert system is a used for basic knowledge and inference rules solve specific question and machine learning is used for particular techniques like neural network. And now AI is categorized into two parts, is narrow AI and general AI. Narrow AI is a weak AI and general AI is a strong AI. Narrow AI designed into perform narrow tasks and facial recognize internet searches and general tasks is a hypothetical system to process the ability understand learning and general sense. Machine learning a substance of AI using training algorithm and deep learning a substance of using neural networks in many layers. NLP natural learning processing forest of interaction on computer and human being. So now we can see application of AI, healthcare, automobile, finance, surveillance, social media, entertainment, education, space, explorance, gaming, poverties, agriculture, e-commerce. It's an application of AI. Okay, thank you so much. Give a big hand to these participants. And EIC Kumbichor, please come up on the podium. GIC Kumbichor, आइए बेटा आपका इस मंच पर स्वागत है. और ये मंच क्यों जो है सीमेंट का मंच नहीं होता, अभी तो यह विश्वास का भी दरवाजा है. एक बार बच्चे इस मंच पर आना सीख जाए तो व्यक्तित्व का श्रेष्ठ प्रदर्शन वो यहाँ पे करता है अपने. और बेटा आपका विषय है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता.
संभाव्यता और सरोकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स पोटेंशियल एंड कंसर्न्स। आइए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने नारायणगढ़ यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों भाई बहन, मैं आदर्श त्रिवेदी राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। प्यारे बच्चों, जब आपकी यहाँ पे प्रस्तुति हो जाए उसके बाद जजेस के सामने आप लोग जाएंगे और आपसे संबंधित विषय के संबंध में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपने उनके उत्तर देने हैं। तब तक जो दूसरे प्रतिभागी हैं वो यहाँ पर इंतजार करेंगे। आइए, स्वागत है GIC को बिछोड़ के होनहार छात्र छात्राओं का। आइए बच्चों। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विनायकगण यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षक एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहन, मैं आदर्श कुकरोटी राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं विज्ञान संगोष्ठी के आज के शिक्षक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संभावनाएं एवं चिंताएं के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म वर्ष 1950 में हुआ था, जॉन मैकार्थी पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे कोई शब्द लगाने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें AI का जनक माना जाता है। वर्तमान समय में AI का चलन पूरी दुनिया में काफी तेजी से फैल रहा है, भारत इस मामले में पीछे नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है। यह और अभियांत्रिकी टेक्नोलॉजी है, अर्थात ये मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। इसका आयोजन 1956 में जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया था। हम सभी ने AI की सुर्खियां देखी हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, चाहे हम AI के इस्तेमालों के जोखिमों के बारे में कुछ भी सोचें, परंतु कोई भी इस बात पर विवाद नहीं कर सकता कि यह हमेशा के लिए है। सभी प्रकार के व्यवसायों ने AI के बहुत से लाभ पहुंचाए हैं और उपभोक्ता इसे अपने दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल करते हैं। AI के नुकसान और फायदे दोनों हैं। सर्वप्रथम हम AI के फायदों के बारे में जानेंगे। AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मनुष्य जीवन के भविष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। AI में ऐसी कारों का प्रयोग आविष्कार किया जा रहा है जो बिना चालक के गाड़ी चलाने में योग्य है। ऐसी कार मार्केट में आने से एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, क्योंकि एक तो यह कार सेल्फ ड्राइव होगी जिससे मनुष्य उसमें बैठकर इधर उधर कहीं भी जा सकता है, तथा सेल्फ जनक भी कहा जाता है। AI के द्वारा हम लोग
रोबोट और मशीन प्रोग्राम की बना सकते हैं। इस तरह AI हमारे जीवन में क्रांति लाने की